जी नाजीन, अब मैं मौजूद हूँ दीवान मोटरसाइकिल्स के प्लांट में। मेरे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ दीवान मोटरसाइकिल। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने सीएनबीसी पाकिस्तान के लिए बात करने का। मोस्ट वेलकम। अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं जो है ना पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स की डिमांड के हवाले से जानना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स की कुल कितनी डिमांड है। देखिए, डिमांड तो मैं समझता हूँ ज्यादा है, लेकिन मैं आपको पिछले साल की फिगर्स देता हूँ। बिल्कुल। विच इज 13 लाख। इट इज अ रिकॉर्डेड फिगर, लेकिन मैं समझता हूँ मोटरसाइकिल से ज्यादा बनी है, क्योंकि कुछ मोटरसाइकिल कंपनीज जो है वो पामा की मेंबर नहीं है। पामा एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन कहलाती है। right. तो जो उसके मेंबर होते हैं वो उसका डाटा तो रिकॉर्ड हो जाता है, जो उसके मेंबर नहीं है उनका डाटा रिकॉर्ड नहीं होता। तो अराउंड मैं समझता हूँ 15 से 16 लाख मोटरसाइकिलें बनी है। लेकिन रिकॉर्डेड है 13 लाख मोटरसाइकिलें। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वजाहत कीजिए कि ये तो आपने कहा कि जितनी मोटरसाइकिल्स बनी हैं तो, और आप कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो इससे ज्यादा है, तो क्या तखमीना लगाया जा सकता है कितनी डिमांड होगी और हम कितने डिमांड को मीट कर पाते हैं। बात यह है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में मैंने पहले एक दफा बंच मार्क दिया, इंडियन मॉडल को सामने रखना पड़ता है कि इंडिया में कितनी मोटरसाइकिलें और क्या वहाँ की आबादी। पिछले साल वहाँ कोई तकरीबन 1.25 करोड़ मोटरसाइकिलें बनी साल की। सही। हम उनसे 5 गुना छोटे हैं। राइट। तो आप 5 टाइम लेसर कर लें तो उतनी मोटरसाइकिलों की डिमांड पाकिस्तान में तो होनी चाहिए। अब ये तो एक बात हुई, लेकिन वहाँ उनके शहरों में मास ट्रांसिट सिस्टम मौजूद है जो हमारे यहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं है। सही। तो हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल की डिमांड उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी उनके रेशो से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि 30 से 50 लाख मोटरसाइकिलें भी अगर बने तो उनकी खपत इस मार्केट में बआसानी हो जाएगी। तो और इस साल क्या आप देख रहे हैं कि क्या डिमांड हो गया, कितनी मोटरसाइकिल्स को इस साल मैन्युफैक्चर? इस साल मैं समझता हूँ अराउंड ये लोग 25 लाख को टच कर लेंगे। सही। अच्छा, ये जितनी भी जो डिमांड है और जितनी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसमें डिमांड मोटरसाइकिल्स का कितना हिस्सा है? हम लोग, हमारा शेयर जरा कम है, हम वी आर ऑन 10% है। इस वक्त जो मौजूदा प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन फिगर्स है, उसमें हम 10% हमारा शेयर। तो क्या कहेंगे करीबन कितने मोटरसाइकिल आपने पिछले साल बनाए? पिछले साल हमने समझ लिया कोई तकरीबन मोटरसाइकिलें हमने बनाई है 1 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हमने। इस साल क्या 1.5 लाख मोटरसाइकिल्स आपका इस साल बनाने का इरादा है? अच्छा, थोड़ा ये भी बताएं कि इस वक्त दीवान मोटरसाइकिल्स कौन कौन से मॉडल्स की मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी ट्रेडिशनल मार्केट है। राइट। यहाँ ज्यादा मॉडल्स नहीं चलते हैं। दो पहला जो बिल्कुल प्रीमियम मॉडल है वो तो है 70 cc। हर कंपनी 70 cc मोटरसाइकिल बना रही है और 70 cc मॉडल का टोटल प्रोडक्शन में तकरीबन 90% शेयर है। 10% शेयर दूसरे मॉडल्स का है जिसमें 125 cc मोटरसाइकिल है और कुछ लोग 100 cc भी बनाते हैं। हमने कुछ स्पोर्ट्स मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी वो हम आपको दिखाएंगे भी। बिल्कुल। तो उसमें एक ट्रेल का मॉडल है और एक चॉपर हम उसको कहते हैं, दो मॉडल हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने उसकी टेस्ट मार्केटिंग शुरू की है, उसको पूरी तरह से फुल फ्लेश इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो आप लोग 70 cc मोटरसाइकिल पे फोकस करते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त मार्केट में रनिंग प्रोडक्ट्स में आपके और कौन से हैं? मतलब सिर्फ 70 cc है, कुछ 50 cc भी हमने बनाई है। 50 cc भी आप देख सकते हैं, वो हमने मार्केट में दिया। अगेन, इट इज अ टेस्ट मार्केटिंग, अभी वो फुल फ्लेश प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे साथ 70 cc, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त इनकी बेल्ट भी मौजूद है, एक 70 cc मोटरसाइकिल है जो कि इन्होंने बताया कि ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल है जिसकी हमारे मुल्क में डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा अनवर साहब, कीमतों के हवाले से बताइए कि 70 cc की मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी? देखिए, एवरेज कीमत इस वक्त जो मोटरसाइकिल की है वो तो तय करता है डीलर। सही। हम आपको डीलर प्राइस बता सकते हैं। डीलर प्राइस इस वक्त है 35,000 मिनिमम प्राइस है और 39,000 मैक्सिमम प्राइस है, लेकिन ये कस्टमर को जो मोटरसाइकिल मिलती है ये 40 से 45,000, डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में आप मुल्तान में हैं, आप चकवाल में हैं, आप कराची में कहाँ हैं, तो डिफर करती है प्राइस। 35,000 की कीमत है, अराउंड वेरिएट करती है। तो ये कीमतें आपके लिए डीलर्स तय करते हैं, तो इसमें आपका, अगर हम इस आपकी कीमत को कंपेयर करें और दूसरी कंपनी से, तो क्या कहेंगे? क्योंकि एटलस फॉर इंस्टेंस की मोटरसाइकिल की कीमत, वो एटलस की अगर आप बात करते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि वो उनका प्रीमियम ब्रांड है और उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो 40 साल से पाकिस्तान में, तो वो उसका प्रीमियम लेते हैं। उनकी मोटरसाइकिल, इन मोटरसाइकिल जो पाकिस्तानी ब्रांड मोटरसाइकिल है उनसे ज्यादा है। कितना फर्क होता होगा आपकी जी जो मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल है और जो डीलर्स जो है वो कीमत देखें? बिकॉज 35,000 कीमत होना भी आई थिंक हमारे आवाम के लिए ज्यादा नहीं आपके साथ? देखिए, इसमें एक आपको मैं बात बताता हूँ, आपको ज्यादा इसलिए लगती है कि हम समझते हैं कि मोटरसाइकिलें शहरों में ज्यादा चलती हैं और बिकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
موٹر سائیکل زیادہ کنٹری سائڈ پہ چلتی ہے, دیہاتوں میں زیادہ چلتی ہے, اور اس میں جو سب سے پرائم لوکیشن موٹر سائیکل کے سیلز کے حوالے سے ہے وہ ہے سرائیکی بیلٹ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے. صحیح, وہاں موٹر سائیکلیں زیادہ بکتی ہیں, سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں وہیں پہ سیل ہوتی ہیں, اور وہاں یہ ایز ٹیکسی بھی استعمال ہوتی ہیں. رائٹ, تو یہ موٹر سائیکل کی قیمت 35,000 بالکل زیادہ نہیں ہے. ایک تو ان لوگوں کو وہاں پہ جو وہاں کے زمیندار ہیں یا وہاں کے جو ڈیلرز ہیں وہ لیزنگ بھی کرتے ہیں ان کو, اور آگے وہ اس کو چونکہ کرائے پہ چلاتے ہیں یا ٹیکسی کے طور پہ چلاتے ہیں تو ان کے لیے پے بیک کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پرائز جو ہے یہ بہت ہی افورڈیبل پرائز ہے. اب جنوبی پنجاب کی بات کریں, ابھی موجودہ صورتحال میں اگر دیکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 35,000 قیمت زیادہ نہیں ہے, تو ابھی سیلاب کے بعد جو حالات ہیں وہ تو آئی تھنک سب کے سامنے ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو لوگوں کی بائنگ پاور ہے وہ بہت بری طریقے سے اس وقت کمپرومائز ہوئی ہے. اب جنوبی پنجاب میں لوگ 35,000 کی موٹر سائیکل کیا آنے والے سال میں افورڈ کر پائیں گے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بائنگ پاور کی بات کر رہے ہیں, بائنگ پاور بالکل ہرٹ ہوئی ہے, کم ہو گئی ہے, لیکن یہ موٹر سائیکل ایسی چیز ہے جو ان کو پیسے لا کر دیتی ہے. صحیح, جو چیز پیسے لا کر دے وہ تو ان کی ایک ارننگ کا ذریعہ ہو گئی نا. اس حوالے سے اس کو دیکھیں, اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو 35,000 از ناٹ اے ویری بیڈ پرائز, اٹ از اے ویری گڈ پرائز. رائٹ, تو اچھا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے موٹر سائیکلز والے جتنے بھی ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ایک سیٹ پرائز ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ کم سے کم جو کوالٹی ہے, بیکاز آبویسلی جس طریقے سے پرائز ویریٹ کرے گی اس طریقے سے کوالٹی بھی ویریٹ کرے گی, تو کوالٹی میں کمپرومائز نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کوالٹی ویریٹ کرے گی, ایسا نہیں ہے, کیونکہ موٹر سائیکل میں نے آپ کو کہا کہ 70cc موٹر سائیکل جو ہے وہ 90% بکتی ہے. اچھا, وینڈر جو ہیں کامن ہیں, وہ ایک جیسی کوالٹی کے پارٹس بناتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کمپنی کی کس طرح کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, وہ جو کچھ بھی پریمیم لیتی ہے یا اگر وہ اس کی موٹر سائیکل ذرا مہنگی بک رہی ہے تو وہ اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی وجہ سے